मैं बैठी है नेहा जी और हमारे सर एसीपी केसर बाग साहब और एसीपी हेतलचंद साहब। जोरदार कर्तव्य जमीन ताली बजाइए कि आपका कोई कोर नहीं। व्यापारियों के लिए आप हमेशा तैयार रहते। मैं निवेदन करूंगा अपने जितेंद्र जी से और नाथ जी से आगे एक उत्सव का स्वागत करूँगा। चुनाव होता है, आप वरिष्ठ बैठे हुए हैं, आपको अध्यक्ष बना के भेजा है, मुझे वरिष्ठ महामंत्री बना के भेजा और सबको सब कुछ बना के भेजा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मुझे माफी के साथ कहना पड़ रहा है मैम, कि मैं कमिश्नरेट के बाद और जब से मध्य में गया हमारा नाका, हमने बहुत कुछ खोया है। हमारे यहाँ 3 लाख यात्री रोज उतरता है। मैं कहता हूं अगर दिल की धड़कन है अमीनाबाद तो चारबाग नाका चेहरा है। और चारबाग नाके पे अगर आप देखते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो आज अमीनाबाद से हालात खराब हो गए ज्यादा। अभी हमारे कमलेश तिवारी जी जो नहीं रहे हिंदू महासभा के, उनकी वाइफ ने विजयनगर पुलिया चौकी के बगल में पहले पानी की टंकी की बोर्ड लगाया और अब पूरा लगा दिया। और उसके बाद कल एक घटना हुई जिसमें इंस्पेक्टर साहब को मैंने 6 कॉल की और उनको वीडियो भेजा लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और वीडियो देखने के बाद जवाब भी नहीं दिया। हमारे यहाँ पर चारबाग से कहना नहीं चाहूँगा मंच पे, कुछ लड़ते हुए एक लड़का लड़की आए, पैसे का जो भी विवाद उनके साथ जो भी रहा हो आप समझ रहे होंगे मेरे शब्दों को, और वहाँ पर आधा पौन घंटा नहीं 1 घंटा पूरे विजयनगर पुलिया और चौराहे पे जाम लगा रहा और मारपीट होती रही। मैं फोन कर जब मैं उतरा वहां से उसके बाद हमने उनको मार्केट से खदेड़ा 500 लोगों को, लेकिन कोई नहीं आया। मैंने सूरसेन चौकी इंचार्ज को फोन किया कि यार तुम्हारे इंस्पेक्टर फोन नहीं उठा रहे हैं, तो उन्होंने कहा भैया मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं गौतमपल्ली चला गया। मैंने कौन दरोगा आया उसको मैंने फोन किया, उसका ही फोन नहीं उठा। और नाके की स्थिति ये होने जा रही है कि मैं तो अपनी बात कह ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है ना अध्यक्ष जी अपनी बात कह पाएंगे ना मैं कह पाऊंगा, क्योंकि अगर जब मैं अपनी ही समस्या नहीं सुलझा पा रहा हूं तो हिंदू की क्या सुलझाऊंगा। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पीस कमेटी के साथ साथ एक मासिक बैठक उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री ने भी कही थी। मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा हूं कि आप बुला के पूछ लीजिए कि हमारे थाने के अंदर सतपाल सिंह मीत जी बैठे हैं, सीनियर नेता हमारे मिट्टू जी बैठे, इंद्रजीत सिंह जी बैठे और पूरी अंबरमार्ग सारी टीम बैठी, गणेश अग्रवाल से सब कुछ। उस दिन मैम रैकेट पकड़ के दिया हमने, रैकेट जो स्क्रीन शेयर क्यों करते हैं, और 1.5 लाख रुपए का गबन उसको छोड़ दिया गया बिना व्यापारी को बताए। चारबाग में जब उनसे मैंने निवेदन किया कि भाई एक बार आप लोग बैठ लीजिए तो हमारे व्यापारी भी जान जाए कि हमारा चौकी इंचार्ज कौन सा है, तो उन्होंने मुझसे कहा भैया मैं VIP ड्यूटी में रहता हूँ, मेरे पास इतना समय तो है नहीं, अब मेरी VIP ड्यूटी छुड़वा दीजिए आप, उसके बाद मैं बैठक कर पाऊंगा। इंस्पेक्टर ने कहा कि मेरी VIP ड्यूटी छुड़वा दीजिए तो उसके बाद मैं बैठक कर पाऊंगा। हम लोग की पीड़ा ये है मैम कि सम्मान की बात आज व्यापारी बहुत सालों बाद ये कह रहा है। अभी हमारे अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा जी ने कहा कि कमिश्नरेट के बाद घटनाएँ तो खुल जाती हैं, लेकिन हमारी पीड़ा ये है कि हमारी बैठके और सारा सामान टीम झाम बंद हो। आप तो सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन भी है, राष्ट्रपति पदक के वो भी हैं, क्योंकि आपको तो उधर का पूरा संभालना है, सारे 12 अफाद का, मुहर्रम का, सब कुछ का, तो आप तो उनके बीच में रह के कर लेते हैं काम। लेकिन एक व्यापारी होने के नाते, आम व्यापारी होने के नाते हम लोग की मैम पीड़ा है। कमेटी के अंदर SPOs वो बना दिए गए थे जो हमारे क्षेत्र में अब रहते भी नहीं, और बैठकों में व्यापारी को बुलाया जाता था कि भाई आपके यहाँ ये बैठक है, दिवाली आ रही है, और लखनऊ का नाका बाजार वो बाजार है जो उत्तर प्रदेश को सप्लाई करता है मैम LED दिवाली, और आपको पता होगा इतनी भीड़ रहती है, इतनी महिला इतने पुरुष रहते हैं कि समय नहीं होता वहाँ पे। और वहाँ पर अगर विजयनगर पुलिया की चौकी हमने बनाई, हम लोग ने मिलकर AC लगाया, पूरे कैमरे लगवाए मैम, 3.5 लाख रुपये का प्रोजेक्ट इकट्ठा करके कैमरे लगवाए, और हम ही अपना कैमरा देख नहीं सकते। मामला इसलिए बंद हो जाता है, कभी बंदा तोड़ जाता है, कभी कुछ। मैम अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम आप जहां कैमरे नहीं, आप जो कहिए
वो पूरा व्यापारी हमारा लगाने को तैयार है, अगर तैयार नहीं है तो बता दो भाई, और तैयार है तो ताली बजा दो, सब कुछ करने को तैयार है मैम, जो बोल दीजिए आप। आज आप बोल दीजिए कि यहाँ यहाँ LED TV चाहिए, मैं 15-20 LED TV आपके क्षेत्र में भेज दूंगा, कल भेज दूंगा, आप कहिए यहाँ लग जाना चाहिए। उससे ACP साहब चले गए, उन्होंने कहा कि दारू सभा में बवाल चल रहा, पवन भैया दारू सभा चौकी में LED TV लग जाए, भूल लीजिएगा वो विधानसभा सत्र चल रहा था। तो हम लोग सब करने को तैयार, लेकिन अगर हम लोग 2-4 कदम चले तो बस एक कदम आपका नीचे वाला चल जाए तो हम लोग भी चलने को तैयार। बस ये आपसे निवेदन था, और हमारी पीड़ा थी और मेरे व्यापारी की पीड़ा थी। जग्गा जी का मामला हुआ, नाके पे गए, क्या हुआ मैं नहीं कहना चाहता हूँ। सोनू कंफर्ट जोन 2 होटल है, इनके साथ क्या हो रहा है मैं आपको अकेले में बता चुका हूँ, इनके साथ क्या हो रहा है। बस यही ये निवेदन है कि आप एक बार अपने मतदों को कह दीजिए कि हर मासिक एक बैठक कर लें केवल व्यापारी के साथ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जिस दिन इंस्पेक्टर साहब खाली 2 लोगों को निकल गए उस दिन सारा जाम हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा। और मैं आपसे एक वादा और कहता हूँ, लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री होने के नाते हम पटरी दुकान हटाने की बात जरूर करते हैं, सब कुछ हट जाए। मैम अगर आपने उस चीज पे काम करवा दिया तो हम वादा कर रहे हैं हम भी अपनी दुकान शटर के अंदर लेके आ जाएंगे। आपसे ये भी वादा कर रहे हैं, सबके सामने वादा करके जा रहे हैं, हम भी अपनी सीमा रेखा खींच लेंगे कि हम उस सीमा रेखा के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर आपको भी वो हटवाना पड़ेगा। जय हिंद, जय व्यापार मंडल, व्यापारी एकता जिंदाबाद। तो जो जैसे परिवार में अपनी शिकायत की जाती है, वैसे DCP मैम हमारे परिवार के मुखिया के तहत हमारे बीच में आई, हम उनका धन्यवाद देते हैं। अमीनाबाद की समस्या हो, नाका की समस्या हो, ACP साहब बैठक बुला लें, चुनिंदा व्यापारी 5-6 में भेज दूंगा और समस्या का हल चाकआउट करके भेजूंगा, बाकायदा ग्राफिक्स बना के भेजूंगा, कहाँ से नो एंट्री होनी चाहिए, कहाँ से वन वे होना चाहिए, कहाँ पे दुकानें लग सकती हैं, क्या क्या अमेंडमेंट हुए थे, क्या क्या लाभ पास हुए थे 2020 में, कैसे पटरी दुकानदारों को 800 लाइसेंस जब दिए गए तो 400 दुकानें पार्किंग घटा के कैसे उनको चिन्हित किया गया था, जहां स्थाई लग गई हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे, जहां सहयोग की आवश्यकता सहयोग भी करेंगे, लेकिन सिर्फ यही आपसे आशा है कि आप हमारा दर्द समझते हुए यथोचित कार्रवाई करते हुए, ऐसा ना हो कि यहाँ व्यापारी खुलकर बोला किसी के खिलाफ और वो जाकर के उसका उत्पीड़न करे, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। आदरणीय मैम को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना आशीर्वचन देने के लिए। सभी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी महानुभावों को बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि इतना आपका कीमती समय, अपने व्यापार आपका चल रहा होगा उसमें से आपने कुछ समय निकाला, अपने परिवार को भी आप ये समय दे सकते थे लेकिन एक कीमती समय आपने हमारे साथ साझा करने के लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कानपुर जैसे शहर में करीब 6 वर्ष रही हूँ, जो कि औद्योगिक केंद्र माना जाता है, व्यापारियों के साथ मिल करके उनकी समस्याओं का समाधान करना उन्होंने मुझे सिखाया। यदि आपकी समस्याओं को समझ पा रही हूँ तो उनको धन्यवाद देना मेरे लिए आवश्यक होगा कि उन्होंने मुझे वो समझाया कि क्या आवश्यकताएं होती हैं एक व्यापारी की, क्या परेशानियों से, किन किन तरह की परेशानियों से वो गुजर रहा होता है। पुलिस विभाग केवल एक विभाग है जिससे अभी हम जिसके बारे में अभी हम वार्ता कर रहे हैं, अगर नब्ज टटोली जाए तो ऐसी बहुत सारी पीड़ाएं हैं जो आपकी निकल कर के सामने आएंगी। बहुत सारी बातें यहाँ पर आज हुई, बड़े महत्वपूर्ण और बड़ी ही गंभीरता के साथ आपने इन मुद्दों को रखा। मुझे जान करके बड़ा अच्छा लगा कि ये बड़े गंभीर विचार के बाद रखे गए मुद्दे हैं, सतही नहीं है। मैं भेद कर पा रही थी कि क्यों ये व्यापार मंडल और उससे अलग है, एक अलग शान के साथ ये चल रहा है, मुझे आज इसका एहसास आप ही लोगों ने दिलवाया अपनी बातों के माध्यम से, अपनी समस्याओं के माध्यम से और अपने सुझाए गए समाधानों के माध्यम से। भेद है प्रथम दृष्टया वाद विवाद में ना पड़ते हुए, यदि आपको पुलिस परिवार की ओर से कभी कोई कष्ट हुआ
उसके लिए मैं अपनी टीम की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए आप, वो मेरा परिवार है, वो मेरा परिवार है। जैसा आपने बताया मैं सेंट्रल जोन को हेड करती हूँ, लेकिन मुझे खेद है इस बात का यदि आपको अपमानित महसूस हुआ कहीं पर, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस बात की हम जिम्मेदारी लेते हैं। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस बात की हम जिम्मेदारी लेते हैं। कुछ योजनाएं इसके लिए हम लेकर के आए हैं जिसको मैंने आपसे साझा किया। इंडिविजुअल समस्याएं, जैसे मिश्रा जी ने कहा कि विद ग्राफिक्स सारे समाधानों को जो है हमारे सामने रखेंगे। आपने कुछ मुझे यहाँ पर लेटर्स भी प्राप्त हुए हैं जिसमें अपनी समस्याओं का उल्लेख किया है। मुझे, मेरी टीम को थोड़ा समय दीजिए, हम इसको गहनतापूर्वक इसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में हम बतौर टीम विजिट करेंगे, आपके साथ मौके पर खड़े होकर के समस्याओं को समझेंगे, उनका समाधान जो आप ही द्वारा सुझाया गया होगा उसको इवैल्यूएट करेंगे और फिर समाधान आप ही के माध्यम से साथ में खड़े होकर के करवाएंगे। एक एक टुकड़ा टुकड़ा उठाएंगे, बूंद बूंद से सागर बनाएंगे। तो थोड़ा सा कहीं पे, जहाँ पे अभी इतनी सारी समस्याएं आई हैं, मैं बड़ी बड़ी बातें करके चली जाऊँ ये उचित नहीं होगा। छोटे छोटे हम लोग इनिशिएटिव्स लेंगे जिससे आपको सुधार देखने का मौका मिलेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है अपनी टीम से भी। और मुझे आशा है कि हम आपकी जो अपेक्षा है उस पर खरे उतरें। बोलेंगे कम करेंगे ज़्यादा, इसी सिद्धांत को अपनाते हुए अब हम अगली मुलाकात फील्ड पे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में जैसा हमारे यहाँ कहते हैं कि एक आईपीएस अधिकारी बड़े, जिसे लोहा सोना जो तपा के बनाया जाता है उस तरीके से बनता है, बड़ी मेहनत से बनता है, आज दिखाई भी दिया कि वैचारिक रूप से भी आप कितनी समृद्ध हैं और दागर में सागर भर दिया आपने। दो शब्द कहे और हमारा दिल जीत लिया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। पल्लेता जिता पा।